स्वागत है आपका वही से फैमिली में। सब मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वही से फैमिली न्यूज चैनल। वही बात करें बड़ी अपडेट की तो एक साथ कई वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एमपी मौसम विभाग ने आज शुक्रवार 24 दिसंबर को सभी जिलों के शुष्क रहने की संभावना जताई है। हालांकि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है और वही 26 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने के चलते 27 दिसंबर सोमवार से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार है। 27 और 28 दिसंबर को मावजे की बारिश हो सकती है और नमी बढ़ने से कोहरा छाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पंचमढ़ी सबसे ठंडा शहर रहा, जहां 4 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। वहीं उमरिया, रीवा, खजुराहो और नगांव में सबसे न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लगभग सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इंदौर में शुक्रवार को शहर में अधिकतम तापमान सामान्य 1 डिग्री अधिक 27.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 11.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड हुआ। आने वाले दिनों में यहाँ पारा 20 सेल्सियस से जो है नीचे जा सकता है। साथ ही यहाँ पे मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बन गया है और हवाओं का रुख पश्चिमी होने से अरब सागर से नमी आना शुरू हो गई है। वही पश्चिमी विक्षोभ ईरान के ऊपर है, जो 24 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पहुंचेगा और फिर नमी आएगी। इसके अलावा तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को विकसित हो जाएगा, जिससे ग्वालियर, मुरैना में बारिश होगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार है। वर्तमान में बांग्लादेश के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण अभी भी सक्रिय है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ मध्य फैले चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में अवस्थित है। वहीं 24 और 26 दिसंबर को दो लगातार पश्चिमी विक्षोभ संभावित है और 27 और 28 दिसंबर से वर्षा की संभावनाएं भी बनी है। तो ये था मध्य प्रदेश का मौसम अपडेट। इस तरह तमाम जानकारी और लगातार इस नाइट के अपडेट्स के लिए बने रहिए वैसे फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।